हाय स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न चैप्टर फोर नाउन्स। तो आज हम नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउन, इससे पहले भी आप जानते हैं कि नाउन किसको कहते हैं। नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। नाउन जो है, अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन जो है वो किसी का भी नाम है। तो नाउन कैन बी ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स। नाउन कई तरह के हो सकते हैं, सिंगुलर या प्लूरल नाउन हो सकते हैं, जैसे कि बेबी, बेबीज, सिटी, सिटीज, काउ, काउज। इस तरह से नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नाउन, यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं, जैसे कि बॉय का गर्ल, फादर का मदर, अंकल का आंट, इस तरह से। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसको आप गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल जिसको आप नहीं गिन सकते हैं। जैसे कि काउंटेबल में, जैसे आप मान लीजिए कि जैसे बॉय है, इसके अलावा फिर टेबल है, चेयर है। अनकाउंटेबल में जैसे कि सॉल्ट है, नमक, आप उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, डस्ट है। इस तरह की चीज़ें जो है वो अनकाउंटेबल में आती हैं। फिर है प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन का क्या मतलब? प्रॉपर नाउन, अगर किसी का भी स्पेशल नाम जो होता है वो प्रॉपर नाउन होता है, जैसे कि रमेश, ताजमहल, बिल्डिंग का नाम हो गया, तो वो एक स्पेशल नेम है किसी ना किसी चीज़ की, तो वो प्रॉपर नाउन में आती है। प्रॉपर नाउन कहीं पे भी अगर हो तो वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। कॉमन नाउन जो किसी विशेष की जाति बता दे, जिसको आप जातिवाचक संज्ञा हिंदी में बोलते हैं, तो कॉमन नाउन हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन नाउन, जैसे कि बॉय है, एनिमल है, ये सब कॉमन नाउन है। फिर है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं? जहाँ पर ग्रुप में कोई चीज़ें हो और हमने उसका कुछ नाम दे दिया हो, जैसे कि हम बोलते हैं क्राउड, भीड़, लोग इकट्ठा हैं तो हम उसको भीड़ बोलते हैं। फिर से अगर बहुत चाबी गुच्छे, मतलब चाबियाँ हैं और कई सारी हैं, तो हम बोलते हैं चाबियों का गुच्छा, बंच ऑफ कीज, इस तरह से। ये हैं कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको आप फील करते हो, जिसको आप केवल क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो। जैसे कि हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस आप फील करते हो, आप खुशी खुशी महसूस करते हो, उसको आप टच नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन रेफर टू वन पर्सन और थिंग, प्लूरल नाउन रेफर टू मोर देन वन पर्सन और थिंग। सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन समझ लीजिए। सिंगुलर नाउन उसको कहते हैं जहाँ पर किसी भी जाति का या फिर पर्सन जो है, आदमी का, केवल एक मतलब बताया जाए, जैसे कि नदी, घोड़ा, ये सब क्या है? सिंगुलर नाउन है। रिवर, हॉर्स, बर्ड, ये सब सिंगुलर नाउन में आएगा। प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन जहाँ पर कि एक से ज़्यादा चीज़ों को बताई जाए वो है प्लूरल नाउन, जैसे कि रिवर्स, बॉयज, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ ये दिए हुए हैं वर्ड्स, इनको बोल रहा है कि क्या आप इनको कर सकते हैं। सिंगुलर नाउन सिंगुलर में है, इनको क्या आप प्लूरल में बना सकते हैं? जैसे कि ऑक्स का ऑक्सन, फ्लाई का फ्लाइज, फॉक्स का फॉक्सेस, की का कीज। इसी तरह से आपको इनको क्या बनाना है? प्लूरल बनाना है। फैमिली का फैमिलीज, ब्रांच का ब्रांचेस, मैंगो का मैंगोज, बफेलो का बफेलोज, इस तरह से। नेक्स्ट है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नाउन। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नाउन क्या होता है? मतलब जिससे कि हमें पुरुष जाति यानी कि मेल का पता चले, आदमी का पता चले, और फेमिनिन यानी कि जिससे हमें स्त्री जाति का पता चले, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आप जिसको हिंदी में कहते हैं। तो आपने ये पहले भी पढ़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, कुछ नाउन्स दिए हुए हैं, इनको बोल रहा है कि आप किस में मतलब करिए, आप इसको क्या आप इनको इनका आप नाउन चेंज कर सकते हैं। फेमिनिन नाउन आप जानते हैं, जैसे कि यहाँ पर सर है तो सर का फेमिनिन हो जाएगा मैडम, फॉक्स, विक्सन, सन, डॉटर, डॉग, बिच। उसी तरह से किंग, क्वीन, हीरो, हीरोइन, पापा, मम्मा, कॉक, हैन। बिल्कुल ऐसे ही प्रिंस, प्रिंसेस, गैनजेंडर, गूज, ब्रदर, सिस्टर, इस तरह से हम इनको क्या करते हैं? चेंज करते हैं। फिर है कुछ सम नाउन्स आर यूज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, वी कॉल देम नाउन ऑफ द कॉमन जेंडर। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम स्त्री जाति या फिर पुरुष जाति, यानी कि वो आदमी हो या फिर औरत हो, हम उनके साथ एक जैसा ही यूज करते हैं, जैसे कि बेबी, चाइल्ड, प्यूपिल, फ्रेंड। जैसे कि अगर आप देख लीजिए, आपने कभी भी अगर राष्ट्रपति आपके देश की महिला हो या फिर पुरुष हो, तो आप उसके लिए प्रेसिडेंट ही यूज़ करते हैं, आप कुछ और नहीं यूज़ करते हैं। उसी तरह से अगर डॉक्टर, डॉक्टर अगर कोई औरत है या फिर अगर कोई आदमी है, तो आप उसके लिए डॉक्टर वर्ड ही यूज़ करते हैं, कुछ और नहीं यूज़ करते हैं। तो ये हैं कॉमन नाउन जो आप फीमेल और मेल दोनों के लिए सेम यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिसको आप गिन सकते हो, और अनकाउंटेबल नाउन जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, यानी कि नहीं गिन सकते हो। तो काउंटेबल नाउन जैसे कि हम डॉग गिन सकते हैं, तो यहाँ पर 6 डॉग्स, 10 निप्स, 2 जिप्स, 5 कार्स, इस तरह से एग्जाम्पल कुछ दिए हुए हैं। उसके बाद फिर नीचे क्या लिखा हुआ है, वी कैन यूज़ देम इन प्लूरल। हम इन सभी को प्लूरल में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो भी काउंटेबल नाउन होंगे उनको हम प्लूरल में यूज़ कर सकते हैं। वी यूज़ ए और एन विद द सिंगुलर। और अगर सिंगुलर की बात हो तो हम अगर कॉन्सोनेंट है तो ए का यूज़ करेंगे, और अगर वॉवल से स्टार्ट है तो एन का यूज़ करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कुछ अनकाउंटेबल नाउन के भी एग्जाम्पल दिए, जैसे ऑयल, एयर, आइस, इंक, टी, सॉल्ट, राइस, मिल्क, ये सब क्या हैं, ये सब अनकाउंटेबल हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। सो वी कांट यूज़ देम इन प्लूरल फॉर्म, इनको हम कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते हैं। दे आर ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होते हैं, और इनके साथ हम कभी भी ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अब क्या करना है, पुट सी फॉर काउंटेबल एंड नाउन एंड यू फॉर अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि जो काउंटेबल है उसके लिए सी लिखिए और जो अनकाउंटेबल है उसके लिए यू लिखिए। तो यहाँ पर कुछ हमने किया है, जैसे कि आइस, आइस अनकाउंटेबल है तो यू हमने लिखा, हॉर्स काउंटेबल है गिन सकते हैं तो हमने सी लिखा, फिर डस्ट जो है वो अनकाउंटेबल है तो यू लिखा गया है, स्ट्रीट काउंटेबल है तो सी है, ट्री काउंटेबल है तो सी है, हाउस काउंटेबल होंगे तो ये भी सी होगा। उसी तरह से सूप काउंट अनकाउंटेबल है तो उसके आगे यू लिखा गया है, वेटर काउंटेबल हैं तो उनके आगे सी लिखा गया है। नेक्स्ट फ्लोर मीन्स आटा, आटा आप नहीं गिन सकते हैं तो यू है, एंड चीज़ पनीर यानी कि आप इसको भी नहीं गिन सकते हो तो यहाँ पे भी यू है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर भी कुछ दिए हुए हैं तो जो सही ऑप्शन है उस पर आपको क्या करना है, टिक। तो सॉल्ट, सॉल्ट जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, तो उसके आगे कभी भी ए और एन का तो यूज़ हम कर ही नहीं सकते हैं, तो क्या होगा, सॉल्ट होगा, ये गलत है तो इसको हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, हम सॉल्ट में टिक करेंगे। नेक्स्ट बटर भी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है तो ये भी अ बटर यूज़ नहीं होगा, बटर यूज़ होगा। नेक्स्ट उसी तरह से अ मिल्क एंड यहाँ पर दिया हुआ है अ ग्लास ऑफ मिल्क, तो अ ग्लास ऑफ मिल्क जो होगा वो काउंटेबल है, 1 ग्लास 2 ग्लास इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं, तो इस वजह से ये टिक सही होगा। नेक्स्ट है प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन अगर किसी का स्पेशल नेम हो, पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग, किसी का भी अगर नाम हो तो वो होता है प्रॉपर नाउन, जैसे कि राजन, दिल्ली, इंडिया, हिमालय, गंगा, गीता, ताज, ये सब किसी ना किसी का नाम है तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। और कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जो होता है जो किसी का भी मतलब समझ लीजिए जाति बताए तो वो कॉमन नाउन है। यहाँ पर देखिए मैन, बुक, ट्री, फ्लावर, ये सब क्या है, कॉमन नाउन में है। तो यहाँ पर अब एक्सरसाइज में आपको करने के लिए क्या दिया हुआ है, राइट हियर द नेम्स ऑफ एनी 3 सिटीज़, 3 शहरों के नाम लिखने थे, तो ये आप अपने मन से भी फिल कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि हमसे ही आपका मैच करे, जो हमने फिल किया वही आप भी फिल करें, आप अपने हिसाब से भी फिल कर सकते हैं। जैसे हमने फिल किया है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, तो आप चेन्नई भी फिल कर सकते हो, आप ग्रेटर नोएडा भी फिल कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह से 3 रिवर्स, तो गंगा, यमुना, नर्मदा हमने फिल किया है, आप चाहे तो इसमें रिवर्स के नाम चेंज कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा कि सभी जो होंगे वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट 3 कंट्रीज़, तो 3 कंट्रीज़ में भी आप अपने मन से फिल कर सकते हैं, आपका जो देश, जिसका जिस भी देश का नाम मन कर रहा है फिल करने का आप उसको फिल करिए। 3 फेमस मैन, किसी भी महान 3 आदमियों के नाम लिखने हैं। 3 फेमस बिल्डिंग, कोई भी 3 महान जो बिल्डिंग्स हैं, जैसे ताजमहल है, रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है, इस तरह से आप बिल्डिंग्स के नाम फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए गिव द नेम्स ऑफ एनी, किसी का भी नाम, 5 आर्टिकल्स ऑफ फूड, 5 फूड आर्टिकल्स आपको देने हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा है राइस, चपाती, पल्सेस, सैलड एंड इडली। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, आप सांभर लिख लो, आप रसम लिख लो, आप रसगुल्ला लिख लो, तो ये सब 5 आर्टिकल्स ऑफ फूड इसमें आ जाएंगे, आपका मुझसे डिफर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करे। नेक्स्ट है 5 आर्टिकल ऑफ ड्रेस, तो मैंने फ्रॉक, शर्ट, पैंट, टाई, शूज़ ये लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर भी इसको क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद 5 क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स, क्लासरूम ऑब्जेक्ट यानी कि आप क्लास में जो भी ऑब्जेक्ट्स देखते हो, जैसे डस्टबिन है, डस्टर है, मार्कर है, वाइट बोर्ड है,
ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन करोगे। नेक्स्ट है कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कलेक्टिव नाउन, जैसे कि कलेक्टिव नाउन हमने क्या बोला था कि किसी भी समूह का कुछ स्पेशल नाम दे दिया जाए तो उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए अ ऑफ बीज, तो क्या होगा, बीज जो हैं, बीज का होता है स्वार्म, अ स्वार्म ऑफ बीज। उसी तरह से अ ऑफ पप्स, सो क्या होगा, अ लिटर ऑफ पप्स। नेक्स्ट अ ऑफ हाउसेस, तो अ ऑफ हाउसेस का क्या हो जाएगा, अ रो ऑफ हाउसेस। ठीक है, क्या होगा, अ रो ऑफ हाउसेस। इसी तरह से आप इन सबको फिल करेंगे और ऊपर के जो भी आपके एक्सरसाइजेस जो नहीं किए गए हैं उनको भी आप बुक में ही फिल करोगे। थैंक यू।